अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 26 मई बरोज़ जुमरात सपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना शराकत दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरअमन और मुस्तकिम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बरतानिया और दीगर ममालिक के अफराद के इनखला के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। पीटीआई लॉन्ग मार्च रास्ते बंद, मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। हुकूमत एक नई परेशानी से दो चार। इमरान खान ने कहा असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन तारीख के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। यासिन मलिक नई दिल्ली की बदनाम जमाना तहार जेल में कई बरसों से कैद हैं। श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान में शदीद गर्मी, माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम खुश्क, सिंध में शदीद गर्म रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। डॉलर 200 रुपये से तजावुज कर गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 200 रुपये से तजावुज कर गया। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरक इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान सदर से जारी ऐलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 26 मई बरोज़ जुमेरात सपहर 4 बजे तलब किया गया है। ऐलामिया के मुताबिक मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। ख्याल रहे कि सदर ने पार्लियामान का आखिरी मुश्तरका इजलास गुज़िश्ता बरस नवम्बर में तलब किया था, जिसमें PTI हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 समेत दीगर बिल्स मंजूर कराए थे। यहाँ ये बात मद्देनजर है कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों ने तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में साबिक वजीर आज़म इमरान खान को इक्तदार से बेदखल कर दिया था। PTI हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत के खात्मे को गैर मुल्की साजिश करार दिया था और एहतजाजन कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला किया था। बाद अज़ा 14 अप्रैल को साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बहैसियत कायम मकाम स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। ताहम PTI अरकान को अब तक कौमी असम्बली से डी नोटिफाई नहीं किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल चाहते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान बरतानिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग के आगे बढ़ने से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा रवाबित को फरोग मिलेगा। बरतानिया के वज़ीर बराए मुसल्लाफात जेम्स हैपी से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना शराकत दारी है, जो तारीखी रवाबित और आवाम से आवाम के ताल्लुकात पर कायम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां साल दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताबुन बढ़ाने का जरिया साबित होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि 4 करोड़ अफगानों की बहबूद अहम तरजीह होनी चाहिए। यूक्रेन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए
उन्होंने कहा कि जारी तनाज़े से तरक्की पजीर मुल्कों पर असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल चाहते हैं। बरतानवी वजीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में देरीना तालुकात को फरोग देने के अजम का इजहार किया। उन्होंने बरतानवी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान सूरत हाल के बाद बरतानिया और दीगर ममालिक के अफराद के इनखिला के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। ताहम हुकूमत की जानिब से रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन की तारीख और असेंबलियों की तहलील के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती ज़राए के जरिए इस किस्म की इत्तला सामने आई थी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और दोनों फरीकैन ने सिर्फ जलसा करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ताहम वफाकी वजीर इत्तला ने तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुआहदे की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा था के मुसल्ला जत्थे से किसी किस्म के मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत के बाद इमरान खान ने भी मुआहदे की तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि चोरों का टोला अमरीका के नौकर अवाम से खौफसदा हो चुके हैं। असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन तारीख के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। हम मुल्क को इकट्ठा करके आज़ाद कौम बनाएंगे। मजबूत कौम इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। सब ने मुल्क को आज़ाद करने के लिए निकलना है। हमने पहुंचना है टी चौक इस्लामाबाद। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। ये जो चोरों का टोला जिसमें अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर H9 और G9 के दरमियान जगह फराहम करने और गिरफ्तार वोकला को रिहा करने का हुक्म दे दिया। भारतीय अदालत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत में कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक ने कहा था कि मैं यहाँ भीख नहीं मांगूंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। था तो पूरे केस के दौरान मेरे खिलाफ चार्जशीट क्यों ना फाइल की गई? अगर मैं दहशतगर्द था तो मुझे भारत समेत दीगर ममालिक में लेक्चर देने का मौका क्यों दिया गया? उस पर अदालत ने कहा कि इन बातों का वक्त गुजर गया, अगर आपको सजा के हवाले से कुछ कहना है तो बोले। हुर्रियत रहनुमा ने जवाब दिया कि मैं अदालत से भीख नहीं मांगूंगा, जो अदालत को ठीक लगे वो करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय अदालत के फैसले की मज़म्मत करते हुए कहा कि आज भारतीय जमहूरियत और उसके निज़ाम इंसाफ के लिए स्याह दिन है। भारत यासीन मलिक को जिस्मानी तौर पर कैद कर सकता है, लेकिन वो इस आज़ादी के तस्वुर को कभी कैद नहीं कर सकता जिसकी वो अलामत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बहादुर हुर्रियत पसंद रहनुमा को उम्र कैद की सज़ा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को तहरीक जला बख्शेगी। पाकिस्तान के कई हिस्सों में गर्मी की शिद्दत ने रिकॉर्ड कायम कर दिए। पाकिस्तान में हालिया अरसे में शदीद गर्मी की लहर मुमकिन तौर पर मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जनूबी पंजाब में आज बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान में मौसम गर्म रहेगा। सिंध में सक्खर, मोहनजोदाड़ो, दादू और मिट्टी में दर्जा हरारत 47 तक जाने की तवक्को है। कश्मीर में बास मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बैनुल अक्वामी माहरीन का कहना है कि जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली के बायस हीट वेव अब मामूल बन जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा सतह ने गर्मी की इन लहरों के इम्कान को 30 गुना बढ़ा दिया है। मौसमियाती तब्दीली के बायस हीट वेव से पाकिस्तान के शुमाल में ग्लेशियर फट गया, जिससे दरिया के किनारे मौजूद बास इलाके मुतासर हुए, जबकि भारत में फसल मुतासिर हुई और हुकूमत ने गंदम की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रुपया मजीद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत फरोख्त 202 से 206 रुपए है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस अमरीकी डॉलर की कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई। ये मुल्क की तारीख में डॉलर की बुलंद तरीन सतह है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक और ओपन मार्केट में
ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 پیسے مہنگا ہو کر 201.45 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 202 روپے سے 206 روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے۔ فوریکس ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اپریل سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 19.45 روپے مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 24 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔